दुर्ग पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता को लेकर दुर्ग में एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत ट्रैक्टर रैली निकालकर शहर में भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। यातायात सुरक्षा जागरूकता को लेकर दुर्ग पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज दुर्ग में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई इस रैली का शुभारंभ दुर्ग पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्रगण भी मौजूद थे। उन्होंने यातायात सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया, साथ ही दो पहिया वाहन चालक से हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने बताया कि यातायात पुलिस जागरूकता को लेकर लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मकसद दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ये ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ हमारा 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो ये 14 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें हम जैसे शुरुआत में बोले थे कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करना और उनको बताना कि किस प्रकार नियमों की पालना की जानी चाहिए। तो इसी तारतम्य में ये आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन हमारे DSP साहब और उनकी टीम ने किया है। तो सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ज़रिए जो जिस गली से जिस सड़क से निकलेगी वहां के आसपास के लोग इसको अच्छे से देखेंगे, और मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूरे शहर में पूरे प्रदेश में इसकी कवरेज होगी, जिससे कि हमारी जो ट्रैफिक अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों को पता चल सके, जागरूकता फैल सके। साथ ही साथ हमने अभी रिसेंटली हेलमेट पहनने को लेकर कुछ अभियान चलाया है। शहर के दो प्रमुख मार्ग हैं, एक तो नेशनल हाईवे और दूसरा हमारा सेंट्रल एवेन्यू, इसको चिन्हांकित कर हम इसको हेलमेट कंपलसरी वहां पर करने के लिए हम स्पेशल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप सब लोगों का बहुत अच्छा योगदान भी हमें मिल रहा है और आपका कोऑपरेशन मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कुछ लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हेलमेट पहनने का हमारा जो फोर्स करने का उद्देश्य है, किसी प्रकार का ये नहीं है कि हमें, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस को अपने टारगेट पूरे करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि लोगों की ज़िंदगी बच सके। तो आप अगर हेलमेट पहनेंगे तो आप अपनी सुरक्षा के लिए पहनें, ट्रैफिक पुलिस से चालान से बचने के लिए पहनने की अगर आप सोच रखते हैं तो आप ना केवल अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग हेलमेट पहनें, प्रॉपर ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट भी लगाएं और शराब पीकर तो। इस दौरान दुर्ग यातायात उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि यातायात जागरूकता के लिए दुर्ग पुलिस समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं कार्यक्रम में शामिल महाविद्यालय के युवाओं ने यातायात सुरक्षा जागरूकता को लेकर कहा, पुलिस के डर से हम यातायात के नियमों का पालन ना करें बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन पुलिस विभाग के अधिकारी, बचाव है गौरतलब है कि दुर्ग के पुलगांव चौक से निकाली गई यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आकर संपन्न हुई, जिसमें शामिल दुर्ग पुलिस विभाग, यातायात विभाग और कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस संबंध में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आज यहाँ पुलगांव में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है हमारी ट्रैफिक टीम द्वारा, जिसके माध्यम से के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं कि ट्रैफिक नियमों की पालना कैसे की जानी चाहिए और उल्लंघनों में क्या क्या उसमें फ़ाइन के प्रावधान हैं। इस प्रकार हमारा जो ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ चल रहा है उसके तारतम्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवेयर करना और उनमें एक मोटिवेशन पैदा करना कि ट्रैफिक नियमों की पालना करें, जो कि जिसके कारण ना सिर्फ वो अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों की ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखें। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।